हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू IFAS। कैसे हो दोस्तों? अच्छे ही होंगे। सो मैं हर रोज आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ और उसको डिस्कस करता हूँ। आज का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रॉम रॉन्स्कियन कॉन्सेप्ट। आप सबको पता है रॉन्स्कियन कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रॉन्स्कियन टॉपिक से एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए आज एक लेकर आया हूँ। देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी हम देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लेट P बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन R एंड W बी द रॉन्स्कियन ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, W इज अ रॉन्स्कियन ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस Y1 एंड Y2 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square plus x square plus 1 into dy by dx plus P of x y equal to 0। x belongs to R है। Let W of 1 यानी कि रॉन्स्कियन की वैल्यू एट पॉइंट 1 इज A, एट पॉइंट 2 इज B एंड एट पॉइंट 3 इज C। देन व्हाट कैन यू से अबाउट A, B, C? A इज लेस देन 0 एंड B इज ग्रेटर देन 0। सेकंड ऑप्शन A इज लेस देन B इज लेस देन C और A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। तीसरा ऑप्शन A अपॉन मॉड्यूलस A इक्वल टू B अपॉन मॉड्यूलस B इक्वल टू C अपॉन मॉड्यूलस C। एंड फोर्थ ऑप्शन 0 is less than A is less than B and B is greater than C is greater than 0। So this is the question। बड़ा अच्छा question पूछा गया है। So देखिए रॉन्स्कियन के कुछ properties हमारे पास पता होने चाहिए कि क्या क्या है। पहली बात, रॉन्स्कियन या तो identically zero function होता है या फिर वो हमेशा non-zero function होता है, या तो हमेशा greater than 0 या तो फिर हमेशा less than 0। ठीक, अब चलिए यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब पहले तो रॉन्स्कियन निकालने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो मेरे पास अगर दोनों सॉल्यूशंस मुझे पता है y1 y2 तो फिर मैं डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ y1 y2 y1 डैश y2 डैश, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके मैं रॉन्स्कियन फंक्शन निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे सॉल्यूशंस पता नहीं है तो क्या करें, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं अबेल्स फॉर्मूला, है कि नहीं? तो अबेल्स फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अबेल्स फॉर्मूला मेरे पास कुछ इस प्रकार होता है। अबेल्स फॉर्मूला ये रॉन्स्कियन की वैल्यू देता है हमें। अबेल्स फॉर्मूला रॉन्स्कियन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए वन ऑफ एक्स अपॉन ए नॉट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब ये ए वन और ए नॉट क्या होते हैं? ए वन इज अ कोएफिशिएंट ऑफ वाई डैश एंड ए नॉट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ वाई डबल डैश। दिस इज व्हाट द अबेल्स फॉर्मूला इज। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशंस तो पता नहीं, तो सबसे पहली बात हम अबेल्स फॉर्मूले का यूज करके हम रॉन्स्कियन फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर ए क्या होता है? दिस इज कॉन्स्टेंट, है ना, ये कॉन्स्टेंट होता है। चलिए अब यहां पर क्या है, ये मेरा ए वन फंक्शन है, दिस इज ए वन फंक्शन। ए नॉट फंक्शन तो मेरा कॉन्स्टेंट वन है ना, ए नॉट इज कॉन्स्टेंट वन। अब मेरे पास रॉन्स्कियन क्या आ जाएगा देखिए जरा। सो देयरफॉर रॉन्स्कियन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन। अब ए वन फंक्शन है मेरे पास x स्क्वायर प्लस वन टाइम्स डी एक्स, है ना, क्योंकि ए वन अपॉन ए नॉट, ए नॉट फंक्शन तो वन है, so this is simply x square plus 1, right? अब देखिए जरा what will be this a into e to the power minus, अब क्या आ जाएगा? अब यहां पर मेरे पास x square का integration x cube upon 3 and plus 1 का integration x, so this is what we have the Wronskian function, this is what the Wronskian function। अब देखिए ये हमारे पास Wronskian function आया है। अब ये रॉन्स्कियन फंक्शन कैसा होगा, ये सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, इस कांस्टेंट ए के ऊपर। अगर कांस्टेंट ए की वैल्यू जीरो तो रॉन्स्कियन हमेशा जीरो। लेकिन हमें क्या पता है y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन से, दिस मींस दैट रॉन्स्कियन विल बी नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स, राइट? सो एज यहां पर एज y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, as these are linearly independent solutions implies that Wronskian of x is not equal to 0 for all x,
राइट, ये हमारे पास आया है। तो अब ए तो मेरा नॉन जीरो नंबर है, राइट, दिस इंप्लाइज दैट ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, या फिर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, कॉन्स्टेंट है ना, तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। मेरे पास क्या आ गया अब, ठीक है, ए नॉन जीरो। अब चलिए ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब ऑप्शंस क्या क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन रॉन्सकियन एट वन इज, ये डिफाइन किया है उन्होंने, इन्होंने बोला कि रॉन्सकियन ए इज लेस देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो अब देखिए जरा क्या आएगा। अब रॉन्सकियन की वैल्यू एट पॉइंट वन इज गिवन टू बी ए, रॉन्सकियन की वैल्यू एट पॉइंट बी, एट पॉइंट टू इट इज गिवन टू बी बी, एंड रॉन्सकियन की वैल्यू एट पॉइंट थ्री इट इज गिवन टू बी सी, है ना, ऐसा कुछ हमारे पास गिवन है। अब देखिए जरा, अब ये हमारे पास फंक्शन है रॉन्सकियन फंक्शन, ए पॉजिटिव रहा तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसे दिखेगा वो जरा देख लेते हैं, है ना। इफ, अब ए तो नॉन जीरो होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, रॉन्सकियन फंक्शन, हाउ विल बी द रॉन्सकियन फंक्शन, सपोज दिस इज एक्स वाई प्लेन, देन रॉन्सकियन फंक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ, सो रॉन्सकियन फंक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। सो दिस इज माई पॉइंट वन, दिस इज माई पॉइंट टू, एंड दिस इज माई पॉइंट थ्री। एट वन रॉन्सकियन वैल्यू इज ए, एट टू रॉन्सकियन वैल्यू इज बी, एंड थ्री रॉन्सकियन वैल्यू इज सी। सो इस केस में हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी तीनों पॉजिटिव और ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ए मेरा लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, इफ ए इज लेस देन जीरो तो अब क्या होगा, इसका ग्राफ सिर्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि कुछ इस प्रकार आएगा इसका ग्राफ, है ना, ऐसा कुछ आएगा इसका ग्राफ। यानी कि अब वन के लिए इसकी वैल्यू, वन के लिए अब मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, अब वन के लिए इसकी वैल्यू कैसे दिखेगी, अब वन के लिए इसकी वैल्यू ये मेरा ए, टू के लिए इसकी वैल्यू ये, और थ्री के लिए इसकी वैल्यू ये, यानी कि ए बी सी। इस केस में क्या होगा, तीनों लेस देन जीरो और मेरा ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। तो हमारे पास क्या आ गए ऑप्शंस, देखिए जरा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा। पहला क्या कह रहा है, ए इज लेस देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसा तो नहीं होगा कि एक पॉइंट के लिए रॉन्सकियन वैल्यू लेस देन जीरो और एक पॉइंट के लिए रॉन्सकियन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। हमें रॉन्सकियन फंक्शन या तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो या तो फिर हमेशा लेस देन जीरो, तो ये ऑप्शन गलत है ना, एक के लिए लेस देन जीरो और एक के लिए ग्रेटर देन जीरो, ये कभी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आएगा, क्योंकि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी और ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, यही मिला है हमें तीसरा। अब देखिए जरा तीसरा ऑप्शन क्या आएगा, तीसरा क्या बोल रहा है। अब देखिए तीसरे के बारे में क्या जान सकते हैं, अब तीनों अगर पॉजिटिव है, इन दिस केस, इन दिस केस आई विल जस्ट चेंज द पेन नाउ, इन दिस केस व्हाट वी विल हैव, इन दिस केस तीनों नंबर्स पॉजिटिव है ना, तो ए अपॉन मॉड्यूलस ए क्या आएगा, ए अपॉन मॉड्यूलस ए वन आएगा, बी अपॉन मॉड्यूलस बी भी वन आएगा, और सी अपॉन मॉड्यूलस सी, इसकी वैल्यू भी हमारे पास वन ही आएगी। यानी कि इस केस में क्या हुआ, तीनों रेशियोज इक्वल आ गए। व्हाट अबाउट इन दिस केस, इस केस में भी हमारे पास तीनों रेशियोज इक्वल ही आएंगे, कैसे, यहां पर देखिए, यहां पर तीनों नंबर्स लेस देन जीरो है ए बी सी, तो ए अपॉन मॉड्यूलस ए मेरे पास आएगा माइनस वन, बी अपॉन मॉड्यूलस बी मेरे पास आएगा माइनस वन, एंड सी अपॉन मॉड्यूलस सी भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस वन। यानी कि इस केस में भी तीनों रेशोज इक्वल है, इस केस में भी तीनों रेशोज इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो तीसरा ऑप्शन था ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ऐसा हमें नहीं मिला है कि जीरो इज लेस देन ए इज लेस देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये ऑप्शन गलत। यानी कि इस क्वेश्चन के दो ही ऑप्शंस करेक्ट है कि नहीं। बस कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, अबेल्स फॉर्मूला का यूज किया हमने, और फिर वो फंक्शन कैसा दिखेगा उसको थोड़ा ग्राफिकली ड्रॉ करने का प्रयास किया, और फिर वहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि
कि ए बी सी या तो तीनों ग्रेटर देन जीरो या फिर तीनों लेस देन जीरो, या तो फिर क्या कंडीशन होगी, और तीनों दोनों केसेस में ए अपॉन मॉड्यूलस ए, बी अपॉन मॉड्यूलस बी, सी अपॉन मॉड्यूलस सी इक्वल है ना। सो ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही मैं और सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम अप्लाइड सेक्शन। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।